इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इस तरह जो है कोरोना के मसले को आप हल नहीं कर सकते। आप ये तो बताते हैं कि चीन से आपकी बात हो गई, लेकिन आप ये नहीं बताते आपको यूरोप ने जो है वो वैक्सीन देने से इंकार कर दिया, आपको अमेरिका ने वैक्सीन देने से इंकार कर दिया, आपको फाइजर ने वैक्सीन देने से इंकार कर दिया, आपको बर्तानिया ने वैक्सीन देने से इंकार कर दिया। आप इस काम को ये नहीं बताते। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो बात हो रही है उसमें दो चीजें बड़ी खतरनाक है जो पाकिस्तान का डेटा कह रहा है। दुनिया के डेटे में ज्यादातर जो लोग मर रहे हैं उनकी अक्सरियत जो है वो बुजुर्गों की है, लेकिन पाकिस्तान का डेटा जो इस हवाले से दो बड़े खतरनाक सिग्नल दे रहा है कि पाकिस्तान में जो है नौजवानों की भी वो अमवाद जो है वो हो रही है। दूसरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लोग सेहतियाब होने के बाद भी जो है वो भी जो है वो मर रही है। बहुत खतरनाक सिग्नल है इसका। सबसे उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे पास इसका कोई डेटा नहीं है जो इस बात का तयन कर सके कि इसके असबाब क्या है। जो दुनिया में जो दवा कितनी कंज्यूम हो रही है और पाकिस्तान में कौन सी दवा कितनी कंज्यूम हो रही है, अभी तक हम ये भी डेटा नहीं तलाश कर पाए या तैयार नहीं कर पाए। ये बहुत खतरनाक बात है कि आपकी दवा तो आपके जो पेशेंट को जो है, आपके मरीज को जो है वो नहीं मार रही, आपके पड़ोस के मुल्क ने, भारत ने जो है वो 200 रुपए की जो है वो वैक्सीन तैयार कर ली है। तो आप इस वक्त खुद आपकी स्टैंडिंग क्या है? ये ऐसा मौका है कि इसमें एक इंसानी आलमी है कोरोना। इस वक्त हमें भारत के साथ भी जो है वो बातचीत के रास्तों को जो है वो खोलना चाहिए। अगर हमें वहां से सस्ती वैक्सीन मिल सकती है तो हमें भारत से भी जो है वो वैक्सीन लेना चाहिए। पाकिस्तान की अपनी भी जो है वो वैक्सीन बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन आपने उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी। आपने सोचा हुआ कि आपने हर चीज को भीख और खैरात की शक्ल में लेना, इस कौम को आपने जो है वो भिखारी बना के जो है वो रखना है। तो आप अपने जो फेलियर है उन फेलियर पे खुदा के वास्ते तवज्जो दें। एक बात और आखिरी बात, इस वक्त हम कोरोना को सही करने के चक्कर में आंखों में पट्टी बांधी हुई है। खुदा ना खास्ता ये ना हो कि कोरोना के चक्कर में दूसरी बीमारी जो है वो हमें लपेटे में ले ले और हम उसको कोरोना ही समझते रहे। इस वक्त बहुत सारे फेलियर हो रहे हैं। आपकी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, सूरत हाल पे उस तरह निगाह रखे, इस तरह निगाह रखनी चाहिए। जी आमिर साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान से मैं कहूंगा कि हमारे डॉक्टर फैसल से वो ज़रूर मिलें, क्योंकि ये बगैर पीएचडी के पीएचडी हैं और इन्हें साइंस की हर लहर का पहले से पता है और वो लोगों को नहीं पता चलता। वो जो कह रहे हैं ना कि यूरोप ने इनकार किया, अमेरिका ने इनकार किया, किसी ने इनकार नहीं किया। हम गए नहीं लेने, हम अब गए हैं जब उनकी बुकिंग बहुत हो चुकी। तो जाहिर है कि वो आपको, अब आप पैसे भी लेके जाएं, आप तो कर्जे ढूंढ रहे हैं ना, क्योंकि आपने ना इक्विपमेंट पर तैयारी की थी पहले और चाइना ने मदद की, अमेरिका तक की रोक के उन्होंने जो सप्लाई थी पैसों वाली हमें दी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चाइना ने साथ दिया। अब भी हमारा सारा जोर उस पर ही है और चूंकि प्लान नहीं करते हम हमेशा देर कर देते हैं और फिर भागते हैं कि जी अच्छा जी वो क्या हो गया, हमें बताया ही नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहते नहीं है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं, हमने गंदम की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, हमने चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, ये गलत फैसले इसलिए हुए कि उनको बताया किसी ने नहीं। अब वो बताने वाले ही तो कमा रहे थे। तो अब ये वैक्सीन का संजीदा तरीन इशू है। पहली बात यह है कि जो 50,000 आ रही हैं, बहुत खुशाइन बात है कि डोज आ रही हैं, एक तो वो हेल्थ वर्कर्स को मिलेंगी। तो एक डाटा बड़ा क्लियर नादरा कि इनको बनवा लेना चाहिए सॉफ्टवेयर, हम इस काम में तो कुछ कर ही लेते हैं, कि भाई वो मेरिट पे दें आप, उसमें बड़े लोगों के घरों में जाके वैक्सीन ना लग जाए। सबसे पहले जिनकी बनती है हेल्थ वर्कर्स को, फिर ओल्ड एज में जो लोग हैं तो उसका डाटा हमारे पास अब सब मौजूद है। कराची शहर में जाहिर है डॉक्टर आमिर लियाकत बात कर सकते हैं कि उनकी तो शनाख्ती कार्डों से कम वो वोटर बन गए हैं, वो तो मसला आएगा, लेकिन एक डाटा मौजूद है कि कौन कितने शहरी मौजूद हैं शनाख्ती कार्ड पे। हर एक का आना चाहिए कि इनको डोज मिल रही है। मैं यहाँ जानता हूँ जो पाकिस्तानी डुअल नेशनल हैं वो यहाँ से जाके यूके में अब जाके अपनी डोज लगवा के वापस आ गए हैं, फटाफट उन लोगों को कॉल आई हैं। इस तरीके से काम हो रहा है, ये काम हमारे पास मौजूद है नादरा की सूरत में। आपको ना सिर्फ वैक्सीन मंगानी होगी बल्कि मुतमईन भी करना होगा, वरना इस पर राइट्स हो जाएंगे कि जी यहाँ आके आप अकरबा पर भी कर रहे हैं, जो बड़े हाई फाई लोग हैं उनको पहले लग रही है। और ये फिर एक तरीकाकार होना चाहिए, इस पर एनसीओसी को बहुत जल्द बात करनी होगी, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो शुकूक व शुबात में हम बहुत मास्टर हैं। और बड़ी क्लियर बात होनी चाहिए कि जी बिल्कुल मेरिट पे एज वाइज मिलेगी, बीमारी की तरह से मिलेगी, कैसे मिलेगी। हुकूमत कोरोना के ऊपर बिल्कुल क्रेडिट ले सकती है कि दुनिया मान रही है, लेकिन यह भी डिसक्रेडिट इन्हीं का है कि जो प्लान इनको करना था दुनिया से वैक्सीन का। देखे ना, वैक्सीन की बात हम एक साल से इसलिए करते आ रहे हैं कि कोई वैक्सीन जो असल में बनती है वो 1.5 साल चाहिए होता है उसको। और COVID-19 है, वो मौलियात की वजीर का तो कुछ और था, 19 दर्जों का था, लेकिन ये चूंकि दिसंबर 19 में आया था
तो उसके बाद से दुनिया ने बनानी शुरू कर दी थी। खुद जो ये ट्रंप जा रहा है, इसने कई मिलियन डॉलर दिए अपनी कंपनियों को कि जी आप रिसर्च करें, वो पैसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कौमें इस तरह ही चलती हैं। यहाँ हम किसी के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। चाइना की भी हम वैक्सीन को जब उनकी थर्ड जनरेशन में आई है उसकी टेस्टिंग के लिए माने, वो कह रहे थे यार हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम पहली दो टेस्टिंग में भी शामिल नहीं हुए उनके साथ। हम तो इस कदर ज़हनी तौर पर फिरौन हो जाते हैं कि जी बस ठीक है, हो जाएगा, देख लेंगे। अब ये वो वक्त है कि अब इसी तरह इमरजेंसी की सूरत में वैक्सीन के लिए भागें। जब भारत में शहरियों को लगेंगी वैक्सीन, जहाँ पे हमारे से ज़्यादा कोरोना फैला है, तो फिर यहाँ उसका असर नेगेटिव होगा कि जी हम क्यों पीछे हैं। मतलब हम तो इंडिया के साथ तो किसी भी मामले में किसी भी सूरत में पीछे रहना चाहते नहीं, लेकिन मजबूरी बन जाएगी जब अगर वहाँ डोज लग जाएंगी। वहाँ बरतानिया बनाने जा रहा है, सेंट्रल हब बना रहा है उसको, तो हमें होश के नाखून लेने होंगे। और बेशक डॉक्टर फैसल सुल्तान एक टेक्नोक्रेट हैं, नॉन इलेक्टेड हैं, लेकिन अब जो लोग बैठ गए हैं, फिर जनरल महफूज़ुर रहमान उनके साथ बैठे हुए हैं आर्मी की तरफ से आके, इन सबको इस मामले पर बहुत ज़्यादा तवज्जो करने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब। जी मैं समझता हूँ कि वो जो 19 सुनहरे उसूल हैं कोविड के, उस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए कि वो कौन से 19 सुनहरे उसूल हैं, और उन्हीं में कहीं दूसरी तीसरी लहर हमको मिल जाएगी। अब जाहिर है कि जहाँ माहौलियात के वजीर का मानना ये हो, वहाँ एक आमिर लियाकत हुसैन या अयाज साहब या आमिर साहब या फैसल हुसैन साहब या हमारे मोहम्मद लिया साहब या ब्रिगेड साहब क्या कह सकते हैं। बुनियादी बात ये कि कोरोना तो है, कोई ना कोई बीमारी है ज़रूर, आप उसे कोविड 19 कह दें या उसे कोरोना कह दें, कुछ भी है, क्योंकि मैं खुद इसका शिकार हुआ, तो यकीनन ये है तो कोई ना कोई चीज़। अब इसको कोविड कहते हैं या कुछ और कहते हैं ये अलग बात है, लेकिन जहाँ वैक्सीनेशन की बात है, वहाँ पर हम वैक्सीनेशन भी चीन से ले रहे हैं। जहाँ से ये बीमारी आई है वहीं से वैक्सीनेशन ले रहे हैं, ये भी एक खतरनाक अमल है। अब मैं समझता हूँ कि हमें वैक्सीनेशन कहीं और से उसकी तैयारी करनी चाहिए और लेनी चाहिए। अब फाइजर ने बनानी शुरू की थी, क्या हुआ सुना था मैंने, तो सुना था मुझे किसी कहीं से आवाज़ आई थी किसी वजीर की या किसी की कि बहुत जल्द वैक्सीनेशन यहाँ पहुँच रही है और पहले बुजुर्गों को लगाई जाएगी उसके बाद फिर जवानों की तरफ आएंगे, तो वो अचानक आवाज़ गायब हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। अब ये सुनने में आ रहा है कि चाइना से आएगी, तो चाइना से तो वबा आई थी, अब वैक्सीनेशन भी वहाँ से आएगी, तो वो बड़ा खतरनाक है, इस पर सोचना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये कि आप लोगों को कन्विंस कैसे करेंगे। हम पोलियो पर तो आज तक कन्विंस कर नहीं सके। हम जब वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, हमारी पोलियो टीम की जो वर्कर्स हमारे जाते हैं, उनको ये कह दिया जाता है मजहबी हल्कों की तरफ से, कुछ मजहबी हल्के, मैं सबको नहीं कह रहा, कुछ शिद्दत पसंद लोग वो ये कहते हैं कि ये हमें माजूर करने के लिए आए, ये हमें खतरनाक बीमारी कोई ऐसी है जो हमारे अंदर ये डालने के लिए आए। तो अब अगर वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे तो फिर पोलियो वर्कर्स की तरह अगर इन पर हमले शुरू हो गए तो इसको भी रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में ये मंजर हम देख चुके हैं और ये मंजर हमारे सामने, क्योंकि बहुत से लोग कोरोना को मजाक समझते हैं। ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म। आपने होप अच्छे से वीडियो देखा होगा, तो पाकिस्तान मीडिया के डिस्कशन में आपने देखा पाकिस्तानी पत्रकार किस तरीके से बोल रहा है कि भारत की वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन है और भारत दुनिया में कई जगह वैक्सीन दे रहा है। आपको बता दें कि भारत ने अभी तक वैक्सीन दे दी है भूटान, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, मॉरिसस, सेसेल्स और बांग्लादेश को, और इनके बाद भारत ने अभी वैक्सीन दी है श्रीलंका, अफगानिस्तान, ब्राज़ील, मोरक्को, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। आपको बता दें भूटान, नेपाल, मालदीप, म्यांमार, मॉरिसस, सेसेल्स और बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इन देशों को जो शुरुआत में कुछ वैक्सीन दी गई हैं वो फ्री में दी गई हैं। हालांकि लेकिन अब जो नेक्स्ट शिपिंग होगी उसके पैसे लिए जाएंगे। आपको बता दें भारत ने जो नेबरिंग कंट्री है, जो सार्क कंट्री का पार्ट रही है एक्सेप्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान को छोड़कर, उन्हें अभी वैक्सीन फ्री में दी गई हैं। और ब्राज़ील को 20 लाख वैक्सीन के डोज मिले हैं, जिसके बाद ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने संकट मोचन हनुमान जी की फोटो शेयर की, जिसमें वो संजीवनी बूटी ले जा रहे हैं। उस तरीके से भारत की वैक्सीन को बोला है और भारत की वैक्सीन ब्राज़ील के लिए संजीवनी बूटी के बराबर है, इस तरीके का उन्होंने पोस्ट किया है। हालांकि ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं, जब भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई की थी उस टाइम पर भी ऐसा ही कुछ किया था उन्होंने। तो उसके बाद आप देख सकते हैं भारत की वैक्सीन की डिमांड दुनिया में सबसे ज़्यादा हो गई है, क्योंकि WHO ने भी भारत की वैक्सीन को काफ़ी इफेक्टिव बताया है एज़ कम्पेयर टू अदर वैक्सीन, और इसका कोल्ड चैन सप्लाई भी काफ़ी फीजिबल है। मतलब इसे आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं, ज़्यादा आपको बहुत टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फाइज़र वैक्सीन में -17 डिग्री टेम्परेचर लगता था, जो कि बहुत मुश्किल था। आपको भी पता -70 और फ्रिज का 0 है, तो मतलब फ्रिज से -70 डिग्री कम करना कितना कठिन काम था।
तो इस वैक्सीन की यह क्वालिटी है। तो आपने इस वीडियो में देखा पाकिस्तान के लोग, एक इसमें एक सेंसिबल पाकिस्तानी था जो कितने अच्छे से बात कर रहा था, बता रहा था कि भारत से आप कुछ तरीके से संबंध बनाए, भारत ने दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन बनाई है, अगर आपको वो मिल जाती है तो आपके लोगों का काम अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि आमिर लियाकत हुसैन किस तरीके की घटिया बात कर रहा था, और उसने घटिया बात करते करते एक सच भी बोल दिया। उसने ये बोला कि पाकिस्तान के लोग जो कि पोलियो की दो बूंद मुंह में डालने से डरते हैं, वो सोचते हैं कि इससे वो नपुंसक हो जाएंगे, उनके बच्चे लंगड़े लूले पैदा होंगे, उनकी पत्नियां बच्चे ही पैदा नहीं कर पाएंगी, तो ये कोरोना वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? इन्होंने कई पोलियो वर्कर को जान से मार दिया है, तो ये कोरोना वैक्सीन कैसे लगवाएंगे? तो ये एक अलग चुनौती रहेगी कि देश चुनौतियों से परेशान है और आप इन समझ रहे हो किन से परेशान हो। दोस्तों, इस तरीके की प्रॉब्लम पाकिस्तान को फेस करनी पड़ेगी, और भारत में भी व्हाट्सएप पर जो फॉरवर्ड किए जा रही हैं झूठी झूठी खबरें, उसकी वजह से भारत भी में भी इस तरीके के चूतिए को बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत की वैक्सीन की जिस तरीके से ग्लोबल तौर पर तारीफ हो रही है, उससे तो हमारे लिए एक गर्व का मोमेंट है। तो दोस्तों, भारत ने अपनी सारी नेबरिंग कंट्री को ये वैक्सीन दे दी है, आपको क्या लगता है भारत को ये वैक्सीन पाकिस्तान को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? प्लीज़ हमें वीडियो में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।